Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी खिदमत में हाजिर है ज़ैद बिन लोकर. तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे. तो यार, आज आप लोग देखते रहे होंगे कि आपका भैया सुबह सुबह उठ गया हुआ लगता है, कोई खैर का मामला नहीं लगता. तो यार, खैर के मामले हैं सारे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया वो अपनी डेली रूटीन के बारे में कि सुबह सुबह उठना होता है, बच्चों को छोड़ने भी जाना होता है और सारे काम सुबह सुबह करना होता है, दुकान भी खोलनी होती है. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है खाने पीने की. तो यार, हम बाल कटवाने के लिए जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं, आज कोई नई लुक बनवा करते हैं. तो आइए मेरे साथ चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए. तो लेट्स गो. तो यार, जैसे के जैसे घर से निकले थे वैसे के वैसे घर वापस आ गए हैं, क्योंकि यार वो भाई नहीं हले आया ही नहीं दुकान पे. यार वो घर गया हुआ है खाना खाने, वो किसी के घर गया हुआ था पहले काम करने, तो जिसकी वजह से यार वो लेट है. तो अब मुझे लगता है उसके भाई ने कहा घंटा लग जाना, तो मैंने अब दुकान खोल ली है. तो अब मैंने नहाना है, नहाने के बाद फिर दुकान खोल ली है. अब दोपहर टाइम ही हो सकेगा अवेलेबल बाल कटवाना, जो भी है. आज किसी भी सूरत हाल में ये जो मुखड़ा है ना, प्यारा सा, रोज़ आप लोग देखते हैं, ये आपको एक नई सूरत में नज़र आएगा. तो अभी अभी मैं घर पहुँचा था, तो बस बाइक की चाबी निकाल के तो अंदर जा रहा था. अब नहाने की तैयारी कर रहा हूँ, और अभी अभी बाइक भी अंदर कर रहा था, तो मेरे पाँव पे चोट लग गई. वो देखें, ओए, ये बुरा लग गया. बाइक पे चल के टायर अंदर नहीं आया, तो मेरे थोड़ी सी चोट भी लग गई. तो पहले इसको ठीक करते हैं, उसके बाद नहाते हैं. नहाने के बाद अब आप लोगों से शॉप पे मिलते हैं. तो शॉप पे मिलने के बाद फिर पिछले टाइम जब बाल कटवाने जाएंगे, तो तभी आप लोगों से रब्ता होगा. अच्छा, तो यार तब तक अब हम अपने कपड़े निकाल लें. पानी भी हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, तो पहले तो निकाल लेना हम अपने कपड़े. तो कपड़े हैं कपड़े 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 छपड़े कपड़े छपड़े कपड़े छपड़े. ये हमारी पैंट है जी, ये पैंट भी पकड़ ली. इसके बाद हमने पकड़ना है एक शर्ट को, एक यही ठीक है. चलो जी, ये आ गई. अब इसके बाद हमने एक अदर शर्ट पकड़नी है. शर्ट कौन सी पहने, कौन सी पहने, कौन सी पहने, कौन सी. ये खोली सेफ, इसके अंदर से लाभते हैं शर्ट को. तो शर्ट इट्स मीन, मेरे ख्याल से आप बताएं, पिंक अच्छी लगेगी ब्लू के ऊपर के ब्लैक? मेरे ख्याल से तो ब्लैक, ब्लैक इज़ अ वेरी डिसेंट कलर, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से ब्लैक में यार थोड़ी सी घुटन सी महसूस होती है. चले आज फिर पिंक ट्राई करते हैं, लेडीज़ कलर पिंक. जो जो लड़कियां मेरा ब्लॉग देखती हैं वो लाजमी नीचे लिखेगा पिंकी जैद पिंकी वुमेन. अरे यार, हमने कपड़े शपड़े भी पकड़ लिए हैं. अब ये सारा कुछ पकड़ के निकलते हैं बाहर. लाइट का बटन करो बंद, और अब हम लोग चलते हैं पानी की तरफ. पानी देखते हैं कि पानी कितना गर्म हुआ है अभी तक. तो इतने पानी, कितने पानी, पानी पानी. ये हमने शर्ट भी टांग दी, ये हमारा हो चुका है पानी गर्म. ओ माई गॉड, आप लोग सोच तो रहे होंगे कि यार ये बंदा गर्म पानी से क्यों नहा रहा है. वो आपके भाई को गर्म पानी से नहाते हो गए तकरीबन डेढ़ साल हो चुका है. डेढ़ साल से मैं जून जुलाई अगस्त गर्मियों में भी गर्म पानी से नहाता हूँ, क्योंकि आपके भाई की बॉडी कुछ इस टाइप की है कि आपका भाई ठंडे पानी से नहा ही नहीं सकता, बर्दाश्त में नहीं है. मैं जून जुलाई में भी गर्म पानी से नहाता हूँ, तो मुझे जितनी चस आती है ना, क्योंकि मेरा ये मानना है कि गर्मी गर्मी को मारती है. तो जब मैं गर्मियों में गर्म पानी से नहाता हूँ, तो मुझे फिर पूरा दिन गर्मी नहीं लगती. तो सर्दियों में जब गर्म पानी से नहाता हूँ, फिर होता ही नहीं लगती. चले तो यार, अब आप लोगों से मैं मिलता हूँ फ्रेश होने के बाद, और फिर सीधा चलते हैं शॉप पे. पम, तो देख लें आप लोग, आपका भाई डैडी शैडी हो गए, नहा के बाहर निकल आया आपका भाई. मैं तो सोच रहा हूँ आज के ऐसे ही शॉप पे जाऊँ, बनैन पहन के, पैंट पहनी हुई है नीचे, वो देख लें आप लोग, बनैन बनून पैंट पुंट पहन के. मैं तो कहता हूँ आज ऐसे ही दुकान पर चलें, आज को नया ना एडवेंचर कर लें किस तरह का. शुगर मिल सही, लेकिन यार ये पाकिस्तान है, यहाँ पे नहीं इस तरह चलता. जब कहीं बाहर के मुल्क में जाकर तब दुकानों पर जब हमने जाके कोई करना है ना अपना, के कोई मस्ती करनी है, तो फिर वहाँ पे जाके इस तरह कपड़े छपड़े पहन के, कोई लोग नहीं करा पा के नैना पा के, वहाँ पे जाके इस तरह के लोग नया करेंगे. तो एनी वेज यार, मैंने हाँ के बाहर निकल आया हूँ. तो अभी ये बिल्ली आई थी हमारे घर, ये मानो जरा. तो यार ये बड़ी अच्छी मानो है, बाहर से आती थी, हमने इसको दूर डाला, अब ये हमारी हो गई है. तो इसका मतलब पाकिस्तान में जिस चीज़ को हमने बना दियो, तुम फ्राई अंडा एक बना दियो, तो नाल बना दियो, तीन चार पीस बना दियो. तो यार अब मैं कनक करने लगा हूँ ब्रेकफास्ट, तो वो करने के बाद अब सीधा चाबी उठाते हैं और दुकान पे आप लोगों से जाके ना बाकी वहाँ पे मिलते हैं. तो तब तक मैं आपको ज़रा बिल्ली की मस्तियाँ दिखाऊं. मनो, चलें तो यार अब शॉप पे जाके आप लोगों से मिलते हैं. चल बाहर, चल बाहर बाहर, चल झाड़ते उठते झाड़ते उठते, चल खाला 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 तुम्हें खाला. अच्छा तो यार, हमने बिल्ली को गोश्त भी डाल दिया. अब आ गए हैं दूध वाले भाई हमारे, तनवीर भाई, इनसे अब दूध लेते हैं, और आज इनसे भी आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि तनवीर भाई कौन है. अम्मी आप दो, कितना लेना दूध?
3 किलो दूध कौन कौन पींदा अपने घर में वो दसें हमने कमेंट में बताए हमें। अब आप लोगों से चलते हैं तनवीर भाई से भी मिलवाते हैं आप लोगों को कि तनवीर भाई कौन है। तनवीर भाई आज आप लोग को ऑडियंस देख रही है पूरा 1300 बंदा देख रहा है। कितों आंदे हो तनवीर भाई दसो आज लोगों को है। तनवीर भाई गेड़ी के रहने वाले हैं और इनका जो बड़ा काम है इनकी अपनी फार्म है जहाँ पे ये दूध 3 किलो देता जी 3 किलो दे दो। तनवीर भाई का दूध बड़ा अच्छा होता है जिस बंदे ने लेना वो हमसे रब्ता करे ये देते हैं 130 रुपये किलो सही है ना वादी दसा ना लोगों ये ले दी हमने दूध भी ले लिया। अब अपना तनवीर भाई से भी आप लोगों की मुलाकात हो गई है अब किसी दिन इनके फार्म पे जाएंगे वहाँ पे जाके आप लोगों को मज्जे वगैरह दिखाएंगे कि इनके पास कितनी मज्जियाँ हैं कितना फार्म है इनका तो फिर शुगर मेला लगाएंगे वहाँ पे। तो अब मैं ज़रा नाश्ता कर लूँ नाश्ता मेरा बन चुका है पर आए ज़रा पैसे राती तुम दे दिते दिते दे आने तुम 1500 रुपया दिता मैं नहीं दिता चलो जी हमें बटवे जो कढ़ लेने ए रुक जाओ एक मिनट यार मेरे को पैसे नहीं दिए ये कैसे हो सकता है ओए ओए कितने गया बटवा बटवे दे बिचों नहीं भैया बेची पे पैसे लो मैं अपना खजानची 1500 लो जी अम्मी को 1500 अम्मी का दे दिया अम्मी का खर्चा अम्मी को मैंने दे दिया देख लो यार घर खर्चा ना दो तो भावें ब्याह होया भावें नहीं होया सजा होनी है बराबर या लेवल ही है सजा। और ये हमारा नाश्ता भी आ चुका है ब्रेड और अंडा भी आ चुका है अब मैं नाश्ता करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो यार आपका भाई रेडी हो चुका है बिल्कुल ओके नाश्ता वगैरह कर लिया बिल्कुल ओके की रिपोर्ट हो गई है शर्ट भी आपका भाई ने पिंक पहनी है तो आप लोगों ने बताना है कमेंट में कि आपका भाई लग कैसा रहा तो बाहर भी मैंने बना ली है और अब मैं निकलने लगा हूँ दुकान के लिए तो अब मैं पहनने आया हूँ सैंडल अपने तो ये रहे मेरे सैंडल और अब इन सैंडलों को पहनते हैं ये। तो अब हम निकलते हैं दुकान के जाने पर तो चाबी वगैरह भी मैंने पकड़ ली हुई है सिर्फ एक चीज़ रह गई है हैंड फ्री उठाने वाली और अब हैंड फ्री भी मैं उठा लूँ ज़रा तो सीधा आप लोगों से जाके शॉप के ऊपर ही मिलते हैं तो हैंड फ्री उठाते हैं ये बाइक की चाबी भी पकड़ ली हमने तभी आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं पापा भी सो रहे हैं पापा सो रहे हैं वो जोड़ी जैन सो रहा है और हमने अपनी हैंड फ्री पकड़ ली है तो ये रही हमारी हैंड फ्री और अब हम निकलते हैं शॉप की तरफ। तो आज तो जी गाइस तो आपका भाई कैसा लग रहा है आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी दसना है मुझको ओके तो अब चलते हैं शॉप की जाने अच्छा अम्मी मैं दुकान पे चला गया तो चलो अच्छा तुषार रेडी शेडी हो गए अब हम बाइक के पास भी आ चुके हैं और अब यहाँ से निकलते हैं सीधा शॉप की जाने और शॉप पे जाके आप लोगों को दिखाते हैं कि आज की एक्टिविटी क्या है और साथ में आज ये सारा व्लॉग था बनना हेयर कटिंग के लिए था लेकिन अब वो पोस्टपोन हो चुका है अब वो हो गया दोपहर के ऊपर तो अब हम जब दोपहर में घर वापस आएंगे जब दुकान पे कोई आएगा बाबा आएंगे या जैन आएगा तो फिर ही हो सकेगा पॉसिबल वरना तो फ़िलहाल तो कोई चांस नहीं लग रहा वरना थी नेक्स्ट डे पे बात चले जानी तो ये व्लॉग भी थी नेक्स्ट डे में ही ख़त्म करेंगे तो एनीवेज फ़िलहाल तो बाइक को बाइक निकालते हैं और शॉप की जानिब चलते हैं जहाँ पर हम इस वक्त जा रहे हैं हो जा। अच्छा तो यार हम लोग पार्लर पे आ चुके थे अब ये देख रहे हैं आपका भाई बाल बूल कटवा रहा है ये नीचे नीचे से कटवा लिए हैं अब इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर तक आप लोगों को एक न्यू लुक देखने को मिलेगी अपने भाई की तो वो पीछे से देखें आप लोग ए इतने नीचे से करवाए इतने बरीक लिए हैं कि ई तक कटवाने ही ना पैन भाई पैसे बचाओ पैसों की बहुत शॉर्टेज है तो इस वजह से मैंने कटवा लिए अभी मैंने अपनी थोड़ी सी दाढ़ी का भी करवाना है छोटा छोटा बाल तो फिर आप लोगों से घर जाके या मिलते हैं थोड़ा टाइम लग जाना पम तो भाई लोग देख लो आप अपने भाई को कैसा लग रहा है कि नहीं फिर फुल चमैक्सी किस्म का आपका भाई लग रहा है कि नहीं बताओ हंस क्यों पहले ये बताओ कि आप लोग हंस क्यों रहे हो किस वजह पे हंस रहे हो यार आपके भाई ने फैशन नहीं किया यार ये बस छोटा भाई कहता था कि ये तुमने क्लीन शेव नहीं करवानी तो मैंने अब साइडों से क्लीन शेव करवा लिया और यहाँ से मैंने रख ली कि मेरा भाई कहता है कि तुमने नहीं करवानी तो फिर इसका मतलब है कि ज़ायद भट्ट ने नहीं करवानी तो ठीक है बाकी आप लोग बताएं कि आपके भाई की लुक कैसी लग रही उधर मैं ज़्यादा शोर नहीं बना सका क्योंकि शीशा गंदा था पिक्चर मैंने खींची है वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को और साथ में जो छोटा सा क्लिप बनाया वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को वो देख लें आप लोग तो अभी आप लोग देख लें कि आपका भाई ऊपर से फुल क्लियर 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 ये देख लें
एंड तक देख ले आपका भाई पीछे से ऊपर तक टोटली फौजी कटिंग करवा के आया, फौजी कटिंग। अब रमजान तक मुझे कोई तंगी नहीं होनी और ना ही मुझे कोई कह लो कि टेंशन होनी कि बाल बूल भी कटाने के नहीं। अभी फिलहाल यार मुझे बाल बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं। अब मैंने करना है वजू, वजू करके जाना है मस्जिद, वहाँ पर पढ़ के आनी है असर की नमाज़। और आज के भी लोग को करते हैं यहाँ पर एंड, बल्कि एंड नहीं करते, बल्कि मैं आता हूँ नमाज़ पढ़ के फिर आप लोगों से मिलता हूँ। और नहाने के बाद आप लोगों को ज़रा फ्रेश आखिरी लुक दिखा के ना आप लोगों को, उसके बाद भी लोग को एंड करते हैं। तो अभी पानी को ऊपर रखना है और मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ और आप लोगों से फिर मिलता हूँ। तो यार चेक करो अपने भाई की फ्रेश लुक, जो आपका भाई न्यू बच्चा बन के निकला ना, ताज़ा मुखड़ा, अच्छे बाल। तो मैं कहना मैं खुद, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये जैद भाटी निकला नीचे से। ओ माई गॉड, आप लोगों ने यार सबने कमेंट में बताना कि आपके भाई की ये नई लुक आप लोगों को कैसी लग रही है। यार मुझे तो बहुत अच्छी लग रही, किसी को लगे या ना लगे। तो यार अगर लुक अच्छी लग रही हुई ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो ये आपने अब रेडी शेडी होकर मैं निकला हूँ जरा भाई, तो मैंने कहा यार अब बता दिया आप लोगों को कैसे आपका भाई कैसा लग रहा है, तो यार फिर आप लोगों ने बताना है आप मुझे पक्का पक्का। तो यार अब आज के भी लोग को कहते हैं यहाँ पर एंड। आई होप वो बंदा मेरे हाथ में चढ़ गया था, अब उससे मैं कटिंग छटिंग करवा के असर की नमाज़ वगैरह पढ़ के फारिग होकर आया हूँ। अभी आने लगा मेरा खाना, तो मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ, साथ में खाऊंगा रोटी और साथ समोसे और साथ में एवरीथिंग सब कुछ खाऊंगा। और इंशाल्लाह ताला आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक और मज़े के कल को व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाइक के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।